गुड डे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक प्रोस्पेक्टिव होस्ट्स, एक्सपीरियंस होस्ट्स, वेलकम टू आवर होस्टिंग एक्सपीरियंस। सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट एज यूजुअल। फाइनेंसेस पे हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हमने कैपेक्स ओपेक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा। आज हम एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे, जहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, अपने आइडियाज़ को धरातल पे लाएंगे। तो हमने कैपेक्स की बात की, हमने सिविल वर्क, हमने बात की यू नो हाउ द स्ट्रक्चर इज टेकिंग शेप। अब हम थोड़ा सा घर के अंदर घुसते कि स्ट्रक्चर बन गया, चीज़ें फर्निश हो जाएंगी, अब सर्विसेज, लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर सर्विसेज, कि हम जब गेस्ट आ रहा है उनको क्या सर्विसेज जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो सर्विसेज जो एक गेस्ट के एक्सपीरियंस को अच्छा बना सके, कंफर्टेबल, इंजॉयबल बना सके। सो लेट्स मेक इट एक्सपीरियंशियल, यू नो, ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग। इमेजिन यू आर गोइंग समवेयर विद योर फैमिली, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हाउ डू यू परसीव योर एक्सपीरियंस ऑफ अ हॉलीडे, उसमें एंटरटेनमेंट का जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या है। ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, सोचिए। सोचा आपने देखा कि यू नो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट, थॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, प्रोबेबली आपके दिमाग में आया बीच पे जाएंगे, नहाएंगे, व्यू पॉइंट, वांटेज पॉइंट पे जाएंगे, व्यू देखेंगे, ऋषिकेश जाएंगे, राफ्टिंग करेंगे और बंजी जंपिंग करेंगे, आरती देखेंगे, व्हाट नॉट, एंटरटेनमेंट होगा, क्रिकेट खेलेंगे फैमिली के साथ। बट कई लोगों ने शायद एक और एलिमेंट सोचा होगा जिस पे आज मेरा स्पेशली फोकस है, फूड। नाउ फूड, आई पर्सनली बिलीव एंटरटेनमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आप देखिए, आप जहाँ भी जाएंगे, आप जब उस वांटेज पॉइंट पे जा रहे हैं जिसकी आपने अभी सोची थी बात, आप उस वांटेज पॉइंट पे प्रॉब्लम मैगी खाना चाहते हैं, पहाड़ों वाली मैगी। जब आप बीच पे जाते हैं तो प्रॉब्ली आपको भेलपुरी खानी है, प्रॉब्ली आपको कोकोनट यू नो वाटर पीना है, या आप जब किसी गोवा में जा रहे हैं तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना खा रहे हैं, किसी क्लब में जा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। सो देखिए, आपके हर एंटरटेनमेंट के आस्पेक्ट में फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आज का डिस्कशन भी फूड पे ही। नाउ व्हेन यू आर यू नो डिजाइनिंग योर एक्सपीरियंस, योर एयरबीएनबी, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट फूड है। आपने उसकी क्या तैयारी की है? आप अगर विला प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या आप एक किचन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन रख रहे हैं, या आप रख रहे हैं ऑप्शन एक मेन्यू का, सेट मेन्यू जो आप यू नो अला कार्ट प्रोवाइड करते हैं अपने गेस्ट को, या कुछ और ऑप्शन भी है? क्या आप एक यूएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं? आप कुक हायर का ऑप्शन दे रहे हैं क्या? अगर आपकी विला प्रॉपर्टी है, मोस्टली पीपल, आजकल मैंने जो एयरबीएनबी में देखा है, लोग चाहते हैं अच्छा खाना खाना, अपने तरीके का खाना खाना, पैसा कोई इश्यू नहीं है। कुक अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप एक कुक हायर बेसिस पे, पर डे बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एयरबीएनबी में अपने यू नो गेस्ट को, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, जो चूजिंग फैक्टर बन जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आपके एयरबीएनबी को चूज करने के लिए। तो फूड में आपको कंसीव करना है, आप फूड एक्सपीरियंस जो गेस्ट को दे रहे हैं उसका आपने क्या स्टडी की है। सेट मेन्यू बनाया है तो उस मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए, यू नो ब्रेकफास्ट मेन्यू एक होगी, एक लंच या डिनर की मेन्यू होगी। मोस्टली आप देखोगे किसी भी स्टे में लंच कॉम्पोनेंट कम यूज होता है, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड समटाइम्स डिनर का जो आस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लंच इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जनरली जो गेस्ट आते हैं वो ब्रेकफास्ट के बाद घूमना पसंद करते हैं, किसी लोकेशन में जाके, किसी वॉन्टेज पॉइंट में जाके, प्रॉब्ली उनका लंच बाहर ही होता है। डिनर प्रॉब्ली वो आपके कॉटेज में करना चाहते हैं फैमिली के साथ एक वांटेज पॉइंट, क्योंकि हो सकता है आपका विला हो, जैसे काटकोनी होम्स है हमारा, वहाँ पे मोस्टली डिनर लोग वहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत प्यारा लॉन है, बहुत सुंदर नीचे व्यू है वैली का,
एक बॉन फायर करते हुए, एक बारबेक्यू करते हुए, एक एक्सपीरियंशियल डिनर वो करना चाहते हैं फैमिली के साथ। अब जब ये हम भी बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल डिनर की या अच्छे ब्रेकफास्ट की, आपने मेन्यू डिज़ाइन कर लिया है, सेट मेन्यू है, या आप कुक प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी देखना है आपके जो टैलेंट है, जो आपने हायर किया है, क्या वो स्टैंडर्ड, वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दे पा रहे हैं, क्या उनके पास वो स्किल्स हैं जो आपके कुक हैं, क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या वो इतने क्रिएटिव हैं कि एक अच्छा ब्रेकफास्ट बना के दे सकें, और ब्रेकफास्ट में वो क्या क्या बना सकते हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, वो आइडेंटिफाई कीजिए। और आपके जो आपने प्रोस्पेक्टिव गेस्ट्स, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि यू हैव आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, अकॉर्डिंगली यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ ए टारगेट ऑडियंस, वो क्या खाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कनेक्ट इट द होल वीडियोज एज अ जर्नी वेयर आपने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई किया है फैमिलीज, आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा टारगेट ऑडियंस जनरली नॉर्थ इंडिया से आता है, दिल्ली, गुड़गांव, समवेयर जनरली वहाँ से आता है, तो नेचुरली उनका फूड का जो फूड हैबिट्स हैं, जो फूड प्रेफरेंसेस हैं, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ ज़्यादा फोकस रहेंगे। अगर आप साउथ में हैं या आपके पास जो गेस्ट्स हैं वो साउथ से, गुजरात से, राजस्थान से, उस जगहों से आते हैं, तो नेचुरली आपका जो फूड मेन्यू है वो उनके फ्लेवर, उनके टेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, और आपका जो टैलेंट है, जो कुक है, उन्हें भी स्किल्ड होना चाहिए इन प्रोडक्ट्स को बना के डिलीवर करने के लिए, या आप जो कुक ऑन हायर दे रहे हैं उनका भी टैलेंट होना चाहिए कि वो उनके प्रेफरेंसेस को, उनकी फूड हैबिट्स को, उनके फूड चॉइसेस को प्रेजेंटेबल रूप में, अच्छे फ्लेवर में उनको प्रोवाइड कर सके। बिकॉज एज आई सेड यू, एज आई टोल्ड यू इन द इनिशियल पार्ट, फूड इज अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड यू इफ यू हैव सॉर्टेड दिस आउट, you sorted a very important aspect of your experience in the homestay. So, discussion on food, एक और element छोटा सा हम इसमें ये भी डाल देते हैं कि USP जब हमने बात की थी last topic, last videos में हमने एक USP की बात की थी, तो आपने food अच्छा दिया, आपने standard maintain किया, आपने cook अच्छे hire किए, yes. Now, एक छोटा सा example लेते हैं कि आप क्या आप food related कोई एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए। प्रोबेबली यू हैव योर सिटी, योर टाउन, योर नेटिव प्लेस जहाँ पे आप एयरबीएनबी होस्ट कर रहे हैं, वहाँ एक फूड कल्चर हो, स्ट्रीट फूड कल्चर या लोकल फूड कल्चर हो, क्या आप गेस्ट को एक एक्सपीरियंस क्यूरेट कर सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीट फूड्स ऑफ योर प्लेस, जो नेटिव लोग कहाँ जाते हैं, उनका फूड कौन सा है, कौन से वो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे नेटिव लोग भीड़ लगा के खड़े होके लेते हैं। हम सब ने ये किया है, हम एक जैसे देहरादून का एग्जांपल लूँ, हमारे यहाँ चाइनीज़ फूड, इंडियन चाइनीज़ फूड आई वुड से बहुत प्रोमिनेंट है, टिबेटियन फूड बहुत प्रोमिनेंट है, लोग बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स आइडेंटिफाई हो रखे हैं जहाँ बहुत सुंदर मोमोज मिलते हैं, सूप्स मिलते हैं, चौमिन्स मिलती हैं, और पंजाबी फूड छोले कुलचे मिलते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करिए इन जगहों को, प्रॉबली एक एक्सपीरियंस क्यूरेट करिए अपने डिस्कशंस में गेस्ट के साथ, उनसे वो साझा कीजिए कि सर अगर आप यहाँ आए हैं तो प्लीज़ यहाँ के मोमो ज़रूर खाइएगा, या आप प्रॉबली It'll take slight bit of your time, a slight bit of creativity. You can create a coffee table book, जिसमें आप food experience को as a photography form में display कर सकें। जब आपके guest बैठे हैं breakfast के लिए, उनको पढ़ेंगे, उनको वो urge होगी वो चीज़ experience करने को, और यही आपकी USP differentiate करेगी आपको इस भीड़ से। So, let's focus on food. Let's understand this important aspect of entertainment. Sort this out. You will create your USP. This hosting journey will become more beneficial, more good for you, and you will see this in your reviews. जहाँ guests आपको appreciate करेंगे, आपकी इस मेहनत को appreciate करेंगे, और यही आपकी journey को experiential, fruitful और financially gainful बनाएगा. Thank you so much. Please like, share, comment. We love your comments. Thank you.